दोस्तों, आज हम बात करेंगे किलोवाट से एम्पियर कैसे निकाले और शॉर्ट ट्रिक से किलोवाट से एम्पियर कैसे निकाले। किलोवाट से एम्पियर निकालने के लिए मान लेते हैं हमारे पास 10 किलोवाट का एक मोटर है, 10 किलोवाट का 3 फेज मोटर है। 10 किलोवाट मोटर में हमारा एम्पियर कितना होगा? एम्पियर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आई बराबर पावर बाय √3 इंटू वोल्ट इंटू पावर फैक्टर। पावर हमारा किस में दिया है? किलोवाट में। तो किलोवाट तो लिख नहीं सकते हैं पावर का जगह, तो हम लोग इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे। पावर को हम लोग वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 किलोवाट बराबर कितना होगा? 10,000 वाट। 10 किलोवाट है, इसको इंटू 1,000 से करेंगे क्योंकि 1 किलोवाट बराबर 1,000 वाट होता है। तो 10 किलोवाट बराबर 10,000 वाट, 10,000 वाट। √3 का मान हम लोग को पता है 1.732। अब वोल्ट हम लोग मान लेते हैं 415, और पावर फैक्टर लगभग हम लोग का सभी में 0.8 होता है, 0.8। इसके बाद हम लोग ये √3 वोल्ट और पावर फैक्टर को गुना करते हैं। पहले से हम लोग गुना करके रखे हैं, इसका 575.024 होगा, और 10,000 से डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 17.390, यानी 10 किलोवाट बराबर 17.390 एम्पियर हमारा होगा। तो कि जैसा कि आपको बताए थे, शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होगा? मान लीजिए हम लोग का 10 किलोवाट का मोटर है, शॉर्ट 1.7 इंटू 1.7 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका 17.0। मान लीजिए 5 किलोवाट का भी मोटर है तो भी 1.7 से आप गुना करिएगा तो आपका आएगा 8.5। तो दोस्तों, सिंपल सा है, किलोवाट से एम्पियर निकालने का शॉर्ट फॉर्म है किलोवाट इंटू 1.7। ये जो 1.7 है, ये असल में 1 किलोवाट का एम्पियर होता है 1.7। जब 1 किलोवाट का एम्पियर 1.7 है तो इसको आप समझ लीजिए 10 किलोवाट का एम्पियर कितना होगा? 17 एम्पियर।